नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार को एनआईए मामलों से जुड़ी सीबीआई कोर्ट क्रम एक में पेश किया, जहां करीब 2 घंटे 20 मिनट बाद जब आरोपियों को एनआईए रिमांड लेकर बाहर निकली तो गुस्साए वकीलों की भीड़ ने उनके थप्पड़ रसीद कर दिए। इसके बाद जैसे ही पुलिस उन्हें गाड़ी में लेकर जाने लगी तो वकीलों ने गाड़ी को भी घेर लिया। वहीं मुश्किल से चारों आरोपियों को कोर्ट परिसर के बाहर निकाला तो पुलिस ने राहत की सांस ली। अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर सौंपा है। मामले में अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। इधर कोर्ट रूम के बाहर वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई बार पुलिस और वकीलों के बीच माहौल गर्मा गया। हालात यह हो गए कि अदालत की सुनवाई बंद कमरे में करनी पड़ी। बता दें कि दोपहर 1:23 पर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच चारों आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी, मोहसिन और आसिफ को पुलिस कलेक्टर स्थित कोर्ट रूम में लेकर पहुंची। हालांकि उस समय कोर्ट में लंच का वक्त था, ऐसे में जज दोपहर 2 बजे पहुंचे और उसके बाद सुनवाई। कोर्ट रूम में सुनवाई से पहले बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग जमा हो गए थे। इस दौरान जब जज कोर्ट रूम में पहुंचे तो उन्होंने आदेश दिया कि कोर्ट रूम में आरोपियों के साथ ही एनआईए के अधिकारी और संबंधित अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी को कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।